रेयर पिक्चर ऑफ बाबर आजम वेस्टिंग इज प्रीशियस टाइम, कॉन्ग्रेचुलेशन बाबर आजम एंड सैड फॉर डिकी भाई। ये इमाम की शादी पे बुलाया, इमाम का टेस्ट भी इमाम की परफॉर्मेंस जैसा है, बस अब बाबर का डाउनफॉल शुरू। हाउ आई सी दिस पोस्ट बट आई वॉन्ट टू अनसी दिस। नहीं यार ऐसी भी बात नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फनीएस्ट अमेजिंग इंटरटेनर है, स्टार है, दुनिया अन्ने वा प्यार करती है। बाबर आजम को दूसरा डिकी भाई है, बाबर से उम्मीद नहीं थी, पनौती ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले मिलना था। अब अगले भी लोग का टाइटल होगा अरूब और मैं किंग से मिले। दूल्हा दुल्हन की किसी को परवाह नहीं, सारे बाबर से मिलने पहुंचे हैं। इतना अमीर होना है बस, 1,23,000 की कोटी पहननी है, इस तरह की अम्मियां बचपन में पहनाती हैं। यकीन करो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। चलो अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन यार इससे अच्छे लंडे से मिल जाने थे, बस थोड़ी फरोला फराली करनी पड़नी थी। की पता उन्हें भी भावे लंडे चू ले आए, इनकी भी सही मौज है, लंडे से भी पहन ले तो पता ही नहीं चलता अमीर इतने हैं। हम नया पहन ले तो लोग लंडे का समझते हैं। उस्ताद महंगी ले ली है, इतने में 10 वेब जट आ जाए, लगता है किड्स कलेक्शन से ली है। इतने में मेरे 50 कपड़े बन जाए अगले 200 साल के लिए। इतने में तो कोई ले भी ले तो कोई मसला नहीं, उल्टा मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा। इतने तो लोग नो बॉल करवाने के लेते हैं, इतने में मेरी दूसरी शादी हो जाए, पहली बाद में कर लूंगा। क्रिकेटर बन जाते हैं, पढ़ाई में क्या रखा है, पैसे ही पैसा होगा। इतने में 2 मैचों की फीस निकल आती है, इतने में साथ खड़ा कैप्टन आ जाए, अनलिमिटेड खट्टी ट्रॉफियां आ जाए, जिंदगी भर की शॉपिंग हो जाए, 300 टी शर्ट आ जाए, 150 रुपया देगा। क्या फायदा यार इतना अच्छा होने का जब जेब में ये कोटी खरीदने के पैसे ही ना हो। वैसे हो भी तो ना खरीदे, लेकिन मैं जा रहा हूँ अपना अच्छा होने का चार डालने। चलो चले, तुम चल रहे हो या मैं अकेले जाऊँ? सोचा था बड़े होंगे पैसे कमाएंगे, अपना कारोबार करेंगे, अमीर होंगे। घर वालों को बोला था पैसे दो कारोबार करना है, उन्होंने कारोबार कर दिया। वो तो अब्बू की सर्च हिस्ट्री देख के पता चला कि मेरी घर में क्या इज्जत है। बच्चों को चेंज कैसे करें, किसी के बच्चे से बदल लो, ऑयल एक्स पे लगा दो एक्सचेंज पॉसिबल, किडनैपर्स फोन नंबर, अगर बच्चे को गलती से मार दें, बॉडी छुपाने की जगह, सेकेंड हैंड रिक्शा फॉर सन, अपने बच्चे को जलील करने का तरीका, 14 साल का बच्चा ऑन सेल, स्टील के शूज, जब अब्बू बोले जा गाड़ी स्टार्ट कर ले मी, और जब मिडिल क्लास के अब्बू बोले जा बाइक निकाल ले मी, जब अब्बू ले जाओ लेकिन आराम से चलाना, एंड दैट आराम से चलाना। मेरी मेंटल हेल्थ फुल खुद ही, फिर भी मैं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने जाते हुए, सारी क्लास को साने के बाद मैं खुद सर से जलील होकर बाहर जाते हुए, आज हमारे सारे सीक्रेट लीक होने वाले हैं। क्लास टाइम 8:30, मैं 9:30 क्लास जाते हुए, मैं क्लास में उन स्लाइड्स की पिक्चर लेते हुए जो मैंने दोबारा कभी नहीं देखनी, 1:30 बजे छुट्टी थी, मैं 12 बजे घर वापिस जाते हुए, मैं दही लेने जाते हुए, मैं मिर्च की तैयारी करने जा रहा हूँ, आप कोई मैसेज ना करे, मैं घर में दाखिल होते साथ ही आवाज लगाते हुए, अम्मी किधर है? कुछ नहीं बस शादी में लड़कियों वाली साइड पे अम्मी को ढूंढ रहा हूँ, पराई शादी में अम्मी ढूंढते हुए, अपने बच्चे की, मेरा बच्चा जल्दी सब्जी लेके आओ और साथ चीज भी ले लेना। ले मैं जाते हुए और सोचते हुए कि क्या चीज लूँ, स्टिंग और लेज, जब वो के जानते हो ना मुझे, जल्दी वापस आओ। ले मी, मेरा बच्चा इधर आओ, मैं जो इस बात का कब से वेट कर रहा था, मैं उसकी बातों में आके रात 2 बजे खिड़की टापने जाते हुए और गलती से भाई के रूम में गिरने के बाद इज्जत लुटवा के वापिस आते हुए, और जब मैंने उसे कहा कि ये क्या करती है, अपने भाई का एड्रेस दे दिया तो कहती मेरा नेट स्लो चल रहा है। मैंने कहा अपनी जुबान से कनेक्ट कर ले, सुनिए मैडम पढ़ना है तो पटो वरना। हम कोई आम बंदे नहीं, ज्वेलरी शॉप पे ओनर की वाइफ से सोने का रेट पूछ के मार खाई है। आशिक तो बड़े बड़े देखे होंगे पर ऐसा नहीं देखा होना। अगर देख तू अपनी सहेली ना इतना प्यार करदा साले, वो बेचारी जे तेनू कवे मैं तेरा ब्याह ता ही करना, तू बिल्ली दी सुक्की लिंडी खानी साडे कोठे ते खा लूंगा। बोल साला सुक्की दा की है, सुक्की दा की है, लफाफे वाली खा लेगा बता, बोलो यार बोलता है, दस तू गूंगा ही हो गया, बोलना भरावा तेनू पुछया कुछ तेरे को भू है खा लूंगा। ये अपनी बेबी पीछे सुखी लेंडी खा रहा है, लेकिन इस बेचारे को ये नहीं पता हाथ में हाथ पकड़ के हाथ में पकड़ाना मोहब्बत का तकाजा है। दूसरा हाथ बी पॉजिटिव, ये जहाज मुझे नशे ही लगता है, इसकी बेबी भी कहती होगी साढ़ा तो जहाज भी अपना है, बंदा इतना बोला भी ना हो, ऐसा यकवा आना चाहिए बाजी के साथ मोह में हो गया। दुआ कहती है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मेरी बात सुने प्लीज, मैं बहुत मजबूर हूँ, अर्जेंट 1500 चाहिए, मैं वापस कर दूंगी 3 दिन बाद प्रॉमिस। क्या मजबूरी है आपकी? देखे मेरी बात समझे, हमारे घर 3 दिन से खाना नहीं बना, ओ सो सैड, प्लीज भेज दे, मैं आपको इजी पैसा नंबर भेजती हूँ। इजी पैसा नंबर दुआन मलिक, ये तो लड़के का नेम है। जी ये मेरा भाई है बड़ा, ओके भेजता हूँ। लो जी अब सीन शुरू हुआ है, लड़का गया गूगल पे और फेक इजी पैसा रिसीट निकाल लिया और एडिट करके उसका नंबर लिख के भेज दिया, ये लो सेंड कर दिए। ओके मैं चेक करती हूँ।
मुझे तो रिसीव नहीं हुए, यहाँ से तो हो गए हैं। मे बी नेटवर्क ब्लॉकिंग का मसला हो। ओहो, ये क्या होता है? अकाउंट वेरीफाई करवाओगी तो पेमेंट रिसीव हो जाएगी, ये कैसे होता है? सिंपली ऐप से पेमेंट सेंड करो, हो जाएगी। इजी पैसा ऐप से मुझे पेमेंट सेंड करो, मैं फिर उसे वापस भेजूंगा, हो जाएगा। ट्रस्ट मी सीरियसली। नहीं अब रहने दो, थैंक्स। सही बता रहा हूँ, मेरे पैसे तो जाया ना करवाओ। ओके बताओ नंबर। उसने अब नंबर सेंड किया। कितने भेजूं? मिनिमम 1000 तो भेजो। और ये उसको दुआन मलिक की तरफ से रिसीव भी हो गया। ओके आगे? हाँ आगे। चलो अब जल्दी जल्दी वापस भेजो। ब्लॉक, मेरे कल हो गया। वो हमें दफनाना चाहते थे लेकिन उनको नहीं पता था हम गिटक हैं, दोबारा उग जाएंगे। मेरे बेरोजगार दोस्त ने नया बिजनेस शुरू किया है, लुटेरों को लूटने का। बिजनेस करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कॉल एन एम्बुलेंस बट नॉट फॉर मी। अगला बंदा भी कॉल सेंटर एजेंट होगा। बच्ची फंस गई है, 1500 भी नहीं आया, 1000 भी गया। हैंड देने आई थी, हैंड हो गया। ये भाई माशरे के लिए खतरा है। शैतान मेहनत करता है लेकिन भाई ज्यादा मेहनत करता है। स्कैमर के साथ स्कैम करते हैं, बस इसी बात का घमंड है। भाई हैवी ड्राइवर है। जब गरीब बैक बेंचर को चोर मिल जाए, भाई ने रिवर्स कार्ड मुंह पे मारा है, तुम फेंक के मारा है। दीदी का पैसे मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल था लेकिन भाई ने स्कैमर के साथ स्कैम करके उसकी कार दिखा दी। लड़का भी कहता होगा, तेरा उस्ताद आज भी मेरा शागिर्द है, तुम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो ना उसकी ईंटें मैंने लगाई हैं। हाँ सही कह रहा, मैं ईंट हूँ। कहती मेरा भाई है बड़ा, पहले बाजी की सिर्फ मजबूरी थी, अब कर्जा भी चढ़ जाएगा। पहले मुझे लगा था लड़के के साथ मोहमोह होगा, ये तो रिवर्स हो गया। दुआ के लिए दुआ कर दो। लेकिन इसके पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं थे, तो 1000 कैसे भेज दिए? जा पूछ के। बाजी अब दोबारा कभी किसी से नहीं मांगेगी, बल्कि जो ही है जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबा ने लोड छोड़ दिया मांगना, अब दुआ बन के मांगती है। उस 1000 रुपए में से कुछ खा लेती ना तो मैसेज ना करना पड़ता। ये तो कंफर्म हो गया कि लड़की थी बिचारी डाकू टाइप। फिर कहती है हम बॉय से ज्यादा अकलमंद है। बाजी के घर खाने के पैसे नहीं है मगर पैकेज करवा के इंस्टा यूज करने के हैं, जैसे को तैसा पड़ा। ये दुआ तो कबूल नहीं हुई। बाजी के बड़े भाई जो थे आगे, 5 मिनट में पैसा डबल, ये स्कीम बाहर नहीं जानी चाहिए। स्कैम का तरीका थोड़ा कैजुअल है और बच्ची को मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। बच्ची अभी तक बैठ के सोच होगी कि ये मेरे साथ हुआ क्या, और बच्चा अभी तक बैठ के सोच रहा होगा कि ये मैंने क्या किया। ये पाकिस्तान है तो ऐसा हो गया, बाहर होते तो दोनों के अंदर होता, मेरा मतलब है दोनों अंदर होते। बाहर लड़की पसंद हो तो सीधा कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन यू, और यहाँ व्हाट्सएप यूज करती हो, और अगर लड़की ने ना करनी हो तो वो भी सीधा कहती है सॉरी आई डोंट लाइक यू। बाई नहीं कहती, पुलिस लाइसेंस मांगे तो वही पकड़ाते हैं, और यहाँ फोन पकड़ाते हैं जी एल ने बात करें। बाहर कोई बीमार हो तो गेट वेल सून कह के हौसला देते हैं, और यहाँ हमारे रिश्तेदार को भी यही बीमारी थी, वो मर गया था। यहाँ कहते हैं नहीं बचना है, लाहौर ले जाओ। बाहर स्कूल के बच्चों ने पानी ना देना हो तो कहते हैं आई कांट गिव यू माई वाटर, और यहाँ के बच्चे बड़े तेज हैं, कहते हैं दाम वाला पानी है। बाहर कोई चीज अच्छी कीमत पे ले लो तो कहते हैं यू गॉट इट ऑन नाइस प्राइस, और यहाँ एक बात बोलूं महंगा ले लिया। बाहर कहते हैं आई वांट ब्रेकअप, और यहाँ इस्तखारे में सांप आया। बाहर चीज ना लेनी हो तो सीधा कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट, और यहाँ कहते हैं भाई आपके पास वो चीज है ही नहीं जो मुझे चाहिए। बाहर कहते हैं हे व्हाट्सअप, और यहाँ हेलो। बाहर गोली नहीं कराते, सीधा कहते हैं गोइंग फॉर शॉपिंग, और यहाँ आंटियां गोलियां कराती हैं। कोई पूछे ना कि कहाँ जा रही हो तो कहती हैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ इंजेक्शन लगवाने, तुमने लगवानी है तो चलो। कोई चल पड़े तो लगवा भी आती है। बाहर कोई लड़की 4 मिस कॉलें करे तो कहती है उठ के कॉल बैक करना आनी, और यहाँ कहती है सही है खुश रहो आइंदा तंग नहीं करूंगी कभी, और यहाँ वाले बाहर जाके भी हुशियारियां लगाना नहीं छोड़ते, 2.5 किलो मीट फ्राई करके खा जाते हैं, और स्टेटस लगाते हैं रोटी खादी है कि नहीं माँ पूछ दी, डॉलर किन्ने कमाना बाकी सारे पूछ दे, और हम स्टेटस दे दे के रोते रहते हैं। बाहर कहते हैं ब्रदर साइड प्लीज, और यहाँ उस्ताद बची थल्ले आने। बाहर कहते हैं आर यू ओके, और इधर टिट्टू पार्टियां ना कर। बाहर लड़के ने ना करनी होना तो सीधा कहता है सॉरी बेब, और यहाँ दोस्त की कॉल कराते हैं। भाभी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, और भाई वहाँ कोड़ी चढ़ा होता है। भाई हैंड फ्री कहते हैं यहाँ टूटियां। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और घंटा चंटा भी दबा देना ताकि हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो चल यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।